हे एवरीवन, एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेंटाइल वर्सेस रैंक के बारे में, कि कितनी परसेंटाइल पर कितनी रैंक होगी। और ये जो भी है वो ऑफिशियल है। अब जब अगर आपका फाइनल रैंक रिलीज होगा तो आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। एक या दो रैंक को ऊपर या नीचे होगा, बस सेम एज आपको मिलेगा। क्योंकि ICR ने फाइनली अपना कितना स्टूडेंट अपीयर हुआ है ये दोबारा से कन्फर्म कर दिया है। मे बी अब ICR इसको चेंज नहीं करेगा। पहले जो एक 14 सितंबर को उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ की थी, तो उसमें इन्होंने 89,000 जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड किए हुए हैं उनको इन्होंने अपीयर बताया था। जैसा कि आप उनका स्टेटमेंट देख सकते थे, उसमें लिखा हुआ था सेकंड एंड फाइनल डे अप्रॉक्सीमेटली अपीयर्ड स्टूडेंट, और उसमें दो स्टेट को मेंशन किया था किस किस स्टेट में कितना उनको टोटल बताया था। और अभी जो 1 अक्टूबर को जो प्रेस रिलीज़ की गई है, तो उसमें बताया कि टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट 89,413 और अपीयर्ड स्टूडेंट सॉरी जो टोटल रजिस्टर्ड 89,413 और अपीयर स्टूडेंट 61,051 स्टूडेंट हैं। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा टेलीग्राम चैनल से। और आगे आने में आपको काउंसलिंग कैसे करना, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, फीस स्ट्रक्चर के बेसिस पे कौन कौन से कॉलेजेस आप सेलेक्ट करें और कितना किसमें सीट्स है, ये सब कुछ आपको पॉइंट बाई पॉइंट बता दिया जाएगा। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब देखिए, जो नोटिस में बताया था ऑफिशियल नोटिस में 1 अक्टूबर वाले में, ये बताया जो कि आपको डिस्प्ले पर नज़र आ रहा है, टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स 89,413 और टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट। एक टाइम पे क्या शॉक इसलिए हुआ था, मैं भी शॉक हो गया था कि लास्ट ईयर 122,000 लोगों ने एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, भाई अब की बार इतना कम कैसे, इतना ज़्यादा डिक्रीजमेंट कैसे हो गया स्टूडेंट का। तो इसीलिए सोच के थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था, बट अब जो है वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो अब की आपके पास जो भी स्टूडेंट अब की बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनके पास मौका है कि अब की बार लो कट ऑफ जाने वाली है। क्योंकि जो कट ऑफ को 3 फैक्टर डिसाइड करते हैं, पहला नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरा पेपर का लेवल, पेपर का डिफिकल्टी लेवल है। और इसमें एक जो पहला मेन जो आपका है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना अपीयर किया। क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो उनके बीच में ज़्यादा कंपटीशन होगा, कम स्टूडेंट है तो कम कंपटीशन है, लो कट ऑफ जाएगी, इसलिए चांसेस हैं कि आपको कॉलेज मिल जाए। सो चलो आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परसेंटाइल से रैंक कैसे जो कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला है वो देखिए, रैंक इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटाइल इनटू टोटल अपीयर स्टूडेंट अपॉन 100 प्लस 1। ये ऑलरेडी मैं वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लेकिन अभी आपको कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके लाया हूँ, तो वो आगे आपको स्लाइड में देखने को मिल जाएगा। सो देखिए, जिसका 99% है उसका 611 रैंक, 611 रैंक है। अगर उसका 99 आगे कुछ और भी है तो उसका भाई रैंक कम हो जाएगा, 500-400 ऐसे। जिसका 98% है उसका 1222 रैंक है। और भाई हाँ, अभी भी आपको बता, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। आपका जो लाइक बहुत मैटर करता है, मेरे को आगे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। और हाँ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो आगे की वीडियोज़ के लिए। देन देखिए, 97% पे 1832 रैंक और 96% पे 2443 रैंक और 95 जिसका अगर परसेंटाइल है उस पर 3053 रैंक होगी नहीं कन्फर्म होगी, ये ऑफिशियल समझ सकते हो आप इसको। देन क्योंकि अगर आप रैंक लिस्ट का वेट ना करो तो इसी को आपका रैंक मान सकते हो। 94% आया आपका तो 3664 रैंक और आपका 93 है तो 4274 रैंक और 92% है आपका तो 4885 रैंक और 91 है तो 5495 रैंक आपकी होगी और 90 है तो 6106 आपका रैंक होगा। तो आपको ये रैंक समझ आया कि आपको पता होगा कि आपका कितना रैंक आया है। सो चलो, जैसा कि अभी आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ, फिर आगे भी और भी रैंक आपको बतानी है। अगर अभी आपको लो कट ऑफ जाएगा तो इसमें आपका काउंसलिंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे काउंसलिंग करते हो, कौन कौन से कॉलेजेस को फिल करते हो जिनका जिनसे आपका रैंक मैच करता है नहीं करता है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। सो मैंने जो एक प्रोग्राम लेके आया हूँ, काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम, इसमें आपका कंप्लीट काउंसलिंग करके दिया जाएगा हमारे द्वारा। इसमें आपको करने का कुछ आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको बस अपना रिजल्ट देखना है। तो इसमें क्या, ये सबसे कम यूट्यूब में एटलीस्ट सबसे कम 300 रुपीज़ में आपका ये प्रोग्राम है। और मैं अपना इंटरव्यू दूँ तो मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ।
तो इसमें आपको मिलने वाला क्या है, इसमें आपको आपके ही पोर्टल पे जाके हमारे द्वारा आपका चॉइस फिलिंग कर किया जाएगा काउंसलिंग प्रोसेस वाला। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने में भी सपोर्ट किया जाएगा काउंसलिंग के टाइम जो अपलोड करना होता है, फिजिकल रिपोर्टिंग में भी आपको हेल्प किया जाएगा। देन आप कॉल या चैट पे हमसे बात कर सकते हो, और आपको ICR के किसी भी कॉलेजेस का यूनिवर्सिटीज़ का आपको डिटेल जानना है या कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेना है वो भी बता दिया जाएगा। और कॉलेज लेवल काउंसलिंग जो कि मेरा यूनिवर्सिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसमें कॉलेज लेवल या स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग होगा, उसमें भी आपको हेल्प किया जाएगा। तो ये इतना कुछ आपको ओनली 300 रुपीज़ में आप प्रोवाइड किया जाएगा हमारे द्वारा। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन करने के लिए मेरा सिंपली आपको डिस्प्ले पे नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल कर सकते हो, और जो भी प्राइस जो भी इसमें जो चार्ज दिया गया है उसको जाके आप व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीनशॉट सेंड करके और अपना स्कोर कार्ड सेंड करके आप इनरोल हो सकते हो। ये रहा आपको नंबर जो मेंटरशिप के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले पर दिया हुआ है। सो अब आगे बात करते हैं 89, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है। भाई आप देखना, अगर आप अच्छा आपका मार्क्स आया है, अगर आपका मार्क्स अच्छा है जब तो आपको डेफिनेटली कॉलेज मिलेगा, बट आप ऐसा कॉलेज लो ना कि जिसका रैंकिंग भी अच्छा हो और उसका फी स्ट्रक्चर भी कम हो, जिसको कि आप उसको अफोर्ड कर लें। आप ऐसा नहीं कि आपने अच्छा मतलब कि कॉलेज ले लिया, क्योंकि आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, बट उसका फ़ी स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा कि आपको बाद में रिग्रेट हो रहा है, भैया नहीं इसका तो इतना ज़्यादा, मैं तो वो डिज़र्व करता था वो नहीं मिला। तो इसलिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मेरा मेन मोटिव फ़ी स्ट्रक्चर को भी आपकी बार इसमें कंक्लूड करना है कि जिससे कि स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। दूसरा कि जिनका लो कट ऑफ है, मतलब कि जिसका लो परसेंटाइल लो रैंक आया है, तो उनके लिए क्या, उनके लिए ऐसा चॉइस फिलिंग दिया जाए कि लास्ट ईयर को उनके टच में भी कोई भी कॉलेज रहा हो तो उसको फिल किया जाए, जिससे उनके मैक्सिमम चांसेस हो मिलने के। और वो कोर्सेज जो जिनके लिए वो एलिजिबल है काउंसलिंग में, मीन्स कि उनको वो मिल सके। ऐसा नहीं कि आपको उनको BSc AG मिलना ही नहीं है और आप उनको टॉप 10 में फिल कर रहे हो, तो भाई नहीं मिलेगा ऐसे। अगर आपको कोई सीट का सिक्वेंस दे दे कि ये सीट का सिक्वेंस है, इनको ऐसे फिल कर दो, भाई ऐसे काउंसलिंग नहीं होता है, ऐसे काउंसलिंग नहीं होता है। काउंसलिंग एक प्रॉपर वे में किया जाता है, तब जाके आपको सीट मिलता है। अगर आप रैंडम करोगे कोई भी कॉलेज है तो वैसे आप नॉर्मल भर दोगे, तो उसमें ये तो देखो उसमें फैसिलिटी है, उसमें प्लेसमेंट है या नहीं आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। सो चलो ये बहुत कुछ बताया काउंसलिंग के बारे में, चलो आगे वीडियो को देखते हैं। 89,000 अगर आपका रैंक है, सॉरी 89% है, तो उसमें आपका जो रैंक होगा 6,716 रैंक होगा, और आपका 88% है तो उसमें 7,327 रैंक है, 87% पे आपका 7,937 रैंक, और 86% पे 8,548 रैंक, और 85% पे देखिए 9,158 रैंक आपका है। देन देखिए 84 आपका जो परसेंटाइल है तो उसमें 9,769 आपका रैंक है। अब देखिए 83% पे जाके आपका 10,000 रैंक टच हुआ है, इसका मतलब 10,000 रैंक पर तो ओबीसी और जनरल वालों को कॉलेज अलॉट हो जाते हैं। 83% जिनका है तो वो तो भाई नॉर्मली सेफ मान सकते हो। अगर थोड़ा रिस्की एरिया है आपका 12,000 या 13,000-14,000 रैंक, लेकिन वो भी पार्टिसिपेट करें, चांसेस उनके लिए भी हैं, बस अच्छे से काउंसलिंग किया जाए। दो अगर 82% है तो उसका 10,990 रैंक, और 81 है तो 1,100 के अप्रोक्स आपका रैंक है, जो देख सकते हो आप एग्जैक्ट रैंक। देन उसके बाद में देखिए 75% पे 15,000 के अप्रोक्स, 70 पे 18,000 के, 65 पे आपका 21,368 रैंक, 60 पे आपका 24,421 रैंक, और आपका 55% पे आप देख सकते हो 45% पे। देन देखिए 45 पे 33,000 के समथिंग रैंक, 40 पे 36,000, और एग्जैक्ट आप देख सकते हो, आपको डिस्प्ले पर भी दिख रहा है। क्योंकि मेरा मेन मोटो वीडियो का मेरा फेस पूरा दिखाने का इसलिए नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता मैं क्या बोला, तो वो बार बार देखना पड़े, इसलिए मैं डिस्प्ले पर PPT बना के तैयार करके लाता हूँ, जिससे कि आप उसको देख सकें जो मैं बताना चाहता हूँ। 30% पे 42,000 रैंक के अप्रोक्स, 25 पे 45,000 के, और 20 पे आपका 48,000 के अप्रोक्स, अप्रोक्स में एग्जैक्ट आपका 15% है उसका तो 51,000 के अप्रोक्स रैंक आएगा, और जिसका 10% है वो 54, और जिसका 5% है उसका 57,000 के अप्रोक्स आपका रैंक आने वाला है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपने अच्छे से देखा होगा अपने परसेंटाइल पे कि कितना रैंक है। सो अगर आपको मेंटरशिप ज्वाइन करना है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो। सो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना ना भूलें,
ज्वाइन जरूर करें। और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, आगे आने वाली वीडियोस में कैसे काउंसलिंग करना है सब कुछ आपको बताया जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड।